क्या सोच रही हो बेटा? सबसों के बार बहुत कारी होते हैं, कहीं मैंने भी पीना पर। ज्यादा मत सोचो, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। ज्यादती तुमने नहीं की है, तुम्हारी बहन कर रही है तुम्हारे साथ। उसे तो कोई एहसास ही नहीं है तुम्हारा। कैसी शफकत भाई को तुम्हारे खिलाफ कर दिया चलाकी से, उसे तुम ही रोक सकती हो। खैर छोड़ो, ये बताओ बेटा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद भी भर देगा। बेटा हमें तो आने में शाम हो जाएगी, बीना को फोन करके कह दो कि खाना बना ले। वो बनाएगी खाना? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो सारा वक्त अपने कमरे में बैठी रहेगी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो कुछ कर लो, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। मुझे आने में देर हो जाएगी, खाना बना लेना। तो जान की मुझे किचन में भेजा था कि इतनी गहरी चूल्हे किसने खोले हैं? चले भाभी, यहाँ से तबियत खराब हो जाएगी आपकी। चले बैठिए इधर। शिफत भी तो घर पर है नहीं, फिर ये लापरवाही किसने की? मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। मुझे खाना बनाना है। क्या हो गया आपको? अंदर इतनी गैस फैली हुई है, जरा सी माचिस जलाने की देर है, आग भड़क उठेगी। मैं अभी फोन करती हूँ रूही को और अम्मी को उसकी लापरवाही के बारे में बताती हूँ। नहीं अनुआपी, आप प्लीज अम्मी से या किसी से भी कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूं, आपकी जान भी जा सकती थी। कहीं रोही ने जानबूझकर तो? नहीं, नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। मुंह से लाख इनकार करो बीना, दिल में शक तो आ ही गया है तुम्हारे।